नहीं आया इससे क्या होगा जिसका अंतर के बाद हम जा रहे हैं तो बच्चा कुछ जब पाना होता ये है कि 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में आप लोग जो भी गार्जियन उपस्थित हुए हैं अब कौन महीना है फरवरी महीना है फरवरी महीना 28 तारीख की होगी या 29 तारीख की होगी या 26 तारीख की 25 से 28 के बीच में ही एक दिन यहाँ उपस्थित होना है आपको सूचना मिल जाएगी है ना 25 तारीख निर्धारित है 25 तारीख को ही होना है यदि 25 तारीख को छुट्टी है तो 26 को ये आप लोग समझ गए बात तो पाला काम और पाली सूचना आ रहा है बच्चे द्वारा बच्चे के द्वारा यदि छुट्टी रहेगी सुनिए बच्चे के द्वारा जानकारी आपको तब मिलेगी जब छुट्टी रहेगी तब यदि छुट्टी नहीं है तो ये समझ लीजिए कि 25 तारीख को बैठक होना है 10 बजे के बाद क्योंकि 9 बजे स्कूल खुलती है सब बच्चे आते हैं उसे होता है 10 बजे के बाद आधा घंटा एक घंटा बैठक होगी आप लोगों को भी हमसे प्रश्न पूछना है आपको भी आप लोगों को कुछ बतलाना है हेल्पलाइन महीना में क्या हुआ महीना में क्या हुआ कैसे आपका बच्चा रहा कैसा खाना तो 10 मिनट दूसरा है सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है इको क्लब का गठन कर यहाँ से सुन लीजिए इको क्लब चिट्ठी है इको क्लब का गठन करना है ये गठन करने के लिए आज से 4-5 महीना पहले से बोल रहा है अब हम लोग इको क्लब का कितना काम करेंगे कितना सारा फाइल भरेंगे तो हम लोग अंठियाते जा रहे हैं करते जा रहे हैं तो इको क्लब गठन करना है इको क्लब का रजिस्टर बनाना है अब इको क्लब में कौन कौन सब रहेंगे ये ध्यान से थोड़ा सा सुन लीजिए इको क्लब का मतलब होता है कि हमारे स्कूल का वातावरण साफ रहना चाहिए स्कूल के अगल बगल परिवेश जो है उसका वातावरण साफ रहना चाहिए मतलब गंदगी नहीं फैलाना चाहिए नली नाला जो है उसको साफ रखना चाहिए आपके घर के सामने जंगल घर है पर हम यहां पे पीछे करेंगे उससे क्या प्रॉब्लम रहता है स्कूल वाले को क्या देना है कचरा फेंक देना अच्छा फिर इनका क्या लेना देना है तो इसके बारे में जागरूकता फैलाना है जागरूकता रखना उसके सदस्य कौन कौन सब होंगे ध्यान से सुनो इको क्लब का सदस्य जो है स्कूल के प्रत्येक क्लास का कम से कम 10 बच्चा होगा प्रत्येक क्लास का जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 10 बच्चा नहीं है तो हर क्लास का कम से कम 5 बच्चा 4 बच्चा हर क्लास का मतलब उसमें प्रतिनिधि होना चाहिए तो मान लीजिए कि हमारा 8 क्लास तक है तो लगभग उस पर्यावरण को सुधारने में आपके गाँव में जागरूकता फैलाने में जागरूकता करने में अगर बहुत बड़े पास जागरूक करने में उस बच्चा को सप्ताह में एक दिन जो है अपनी साफ सफाई स्कूल का साफ सफाई घर का मोहल्ला का साफ सफाई करवाना है करना है गार्जियन को लैट्रिन कर देना है बच्चा नाली साफ नहीं करेगा बच्चा आपके घर से नाली स्कूल के पास आ रहा है आप यदि गंदा वहां के लिए कहां है उधर जाएगा बड़का मान जैसे वो नाली आपके घर से आ रहा है गंदगी जगह आप अपने घर के स्कूल में फेंकते हैं यहाँ आप अपने घर में फेंकते हैं तो नाली से बाहर कहाँ आएगा स्कूल के पास अटक गया अब कौन साफ करेगा मास्टर साहब 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 मास्टर सा